तुम्हें क्या हुआ वरुण? मुझे एक भेड़िये ने काटा है। कहते हैं फुल मून के दिन भेड़िये का काटा अपना असर दिखाता है। कैसी होगी अभिषेक और दीपिका की जोड़ी? किस कैरेक्टर में दिखने वाले हैं अभिषेक बैनर्जी? कौन है अमर कौशिक का मेन एक्टर? भेड़िया एक अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया है और दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में लीड रोल में वरुण धवन और कृति सेनन है और उनके साथ जानवी कपूर और फ्लोरा सैनी भी सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह इस फिल्म में रोल प्ले कर रही हैं। ये फिल्म दिनेश विजान की थर्ड कॉमेडी हॉरर फिल्म है। इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन मार्च 2021 में शुरू हुआ था और ये वर्ल्ड वाइड थिएटर में 25 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। वरुण धवन के अलावा इस फिल्म में अभिषेक बैनर्जी, दीपक डोबरियाल जैसे एक्टर्स भी हैं। दोनों ही एक्टर्स अपने वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक बैनर्जी को हम सब ने पताल लोक और मिर्जापुर जैसे सुपरहिट वेब सीरीज में देखा है। अभिषेक बैनर्जी ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत रंग दे बसंती से की थी। उसके बाद से वो कई सारी फिल्म और वेब सीरीज का पार्ट बने थे और उनमें से कई हिट फिल्म भी रही। अभिषेक बैनर्जी को अपने एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। ऐसे में अभिषेक का फिल्म में होना अपने आप में काफी उम्दा है और उनकी कॉमिक एक्टिंग को भी फिल्म में काफी पसंद किया जाना है। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी स्त्री जैसी कॉमेडी हॉरर फिल्म में भी थे और उस फिल्म में उनका रोल काफी कमाल का था। इन्हीं के साथ साथ दीपक डोबरियाल भी इस फिल्म में देखे जाएंगे। दीपक ने भी काफी सारी बॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है और उन्होंने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2003 में मकबूल फिल्म के साथ किया था। उन्हें ओमकारा फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है और साथ ही साथ वो बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का भी अवार्ड जीत चुके हैं। हाल ही में दीपक की एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी G5 पे, आफत-ए-इश्क, और उसमें दीपक का काफी कमाल का रोल था। वरुण और कृति सेनन के अलावा फैंस को इस बार फिल्म में दोनों एक्टर्स की कॉमिक एक्टिंग और वर्सेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ऐसे में इस फिल्म का वेट काफी सारे फैंस कर रहे हैं। वरुण के साथ इस फिल्म में फीमेल लीड रोल कृति सेनन प्ले कर रही हैं, जो वरुण के साथ आखिरी बार दिलवाले फिल्म में भी दिखी थी और उस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को काफी अप्रिशिएट किया गया था। तो आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।